बाहर चलिए, बाहर चलिए, तेरे गर्म बाहर ही खाने चला यार। तो भाई मैं बाहर ही आई। ये सांप यहाँ पर है। तो दोस्तों यहीं पर वो खाना बना रही थी और नीचे इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा बैठा हुआ है। हाथ में काटा था कि पाँव पैर 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 पहले पाँव में। आराम से बैठे, बिंदास आराम से बैठे, कोई जबरदस्ती नहीं। पूरी बात बताओ बेटा, यहीं पे काटा था। यहाँ से देखिए ना, पूरा ब्लैक हो गया, पूरा यहीं काटा था। तो दोस्तों आप ये देखिए, इनको सांप है वही पे। तो सबसे पहले कौन देखा था सांप को, कब काटा है? कल सुबह पहले काटा तो कहाँ ले गए? डाला दवा पिलाने के लिए। तो दवा पिलाने वाला ने वो कहा कि हमें सब कीड़ा दवा नहीं पिलाते हैं। लोग डॉक्टर बी एस उपाध्याय जौनपुर में आशा दीप हॉस्पिटल, उनके यहाँ ले गए। कितना समय लगा होंगे ले जाने के लिए? 15 से 20 मिनट। कितना पैसा लगा था? लमसम 50,000 के आसपास लमसम लग चुका। और वही पहले पहुँच गए थे 15-20 मिनट, 10-20 हज़ार रुपये माफ होता हूँ। जानकारी न होने की वजह से कहीं मत भागिए। जब भी सांप काटता है सीधा आपको हॉस्पिटल जाना है। जहरीला काटा है तो भी नहीं, जहरीला काटा है तो भी, जहरीला नहीं काटा है तो 1,000-2,000 में आप ठीक हो जाएंगे, समझ रहे हैं आप? और पता चला जहरीला काटा है तो लेट होगा और मामला सीरियस होगा, फिर डॉक्टर और पैसा आपसे लेगा। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचना चाहिए? हमेशा हॉस्पिटल जाना चाहिए। जो दवा पिलाते हैं वो फालतू चीज़ें हैं, दवा में कुछ दम नहीं है। वो दवा वो पिलाते हैं जैसे धामिन काट लिया उसमें जहर नहीं है, बच गए। तो दवा वहाँ नहीं भी पिलाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें जहर नहीं है। चलिए फिर सांप को पकड़ते हैं, दिखाते हैं। वो सांप कोबरा सांप होगा, अपनी गाड़ी में इस समय कोबरा सांप हर जगह निकल रहा है। तो ज्यादा करके सांप महिलाओं को काटता है, अभी से समझ लीजिए। ज्यादा करके सांप महिलाओं को काटता है क्योंकि महिलाएं घर में बहुत सारा कूड़ा कबाड़ फाड़ के रख रही है इस समय। बहुत बार हम लोग बताए लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। वीडियो बनाते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन परिवार को नहीं जागरूक कर पाते। हम खुद वीडियो बनाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं लेकिन परिवार को नहीं जागरूक कर पाते। अरे कब पहुँचाएंगे आज? चलिए पकड़ते हैं, आपको दिखाते हैं। यार आप निकाल लगा, खाना ही बनता है। हाँ, कितनी उम्र होगी उनकी? बहुत ज्यादा भैया मतलब 30 साल हुई। 30 साल, अच्छा। ये सांप यहाँ पर है। तो दोस्तों यहीं पर वो खाना बना रही थी और नीचे इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा बैठा हुआ है, ये आप देख लीजिए। कहाँ पे काटा था? यहीं पे। हाथ में काटा था कि पाँव पैर 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 पहले पाँव में, अंगूठे में, पंजाब पर। अच्छा, पंजाब में काटा था। तो शायद दोस्तों दबा होगा तो ये काट लिया होगा। यहीं पर खाना बनता है, खाना जहाँ दोस्तों बनता है, भोजन बनता है, अनाज गिरता है, अनाज को खाने के लिए चूहा आता है, चूहा खाने के लिए सांप आता है। बहुत बार बताया गया, तो आप ये समझिए ये सांप चूहा की तलाश में आया था, पैर की दबने की वजह से, टच होने की वजह से काट लिया। तो अच्छा, ये कौन खुद खाद किया था भैया? यही सुबह सब लड़के लटा रहे थे तो वही देखे तो वहाँ पर मिला। तो दोस्तों ये लोग खुद इसको ढूंढ रहे थे कि सांप जो काटा था वो काटा कौन सा। दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये निकला हुआ है। दोस्तों ये फर्श कच्ची होने की वजह से ही बहुत सारे सांप लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, काटते हैं। तो इसमें मात्र 100 इंच लगेगा, 50 इंच डाल करके घुरैया करवा दीजिए, कहीं छिपने का मौका नहीं। इसमें मात्र 500 का काम है, 1,000 रुपये का काम है फर्श बनवाने के लिए, लेकिन सांप काट लिया 50,000 रुपये पूरे घर मेंटेन हो जाता नहीं होता। अब इंसान चाहे जैसे भाग करके लगाता है अपना उधार बाड़ी इधर उधर हो जाएगा, लेकिन पहले ही नहीं कर पाते हैं। तो सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। बारिश में हर जगह सांप निकल रहे हैं। बारिश होने से दोस्तों हर जगह बिलहोल में पानी चला जाता है और सांप हमारे आपके घर में प्रवेश कर जाते हैं अपने बचाव के लिए, भोजन के लिए, छिपने के लिए। तो आप उनको छिपने का कहीं चांस मत दीजिए। चूहा रहेगा तो सांप आएगा, बिल रहेगा, फर्श कच्ची रहेगी तो सांप आएगा। आइए, तो ये है दोस्तों, थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करते हैं। इस वीडियो को देख के आप काफी नहीं कीजिएगा। ये दोस्तों काटने से पहले फूंक मारता है। तो ये दोस्तों देखिए, ये देखने में पूरी तरीके से नागिन जैसी है, बिल देख रही है छिपने के चक्कर में। इसी तरीके से दोस्तों ये काटी होगी और एंटी वेनम लगा, बच गए, बच गए। चूहा खाने के लिए दोस्तों आई है। चलिए भैया बाहर 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 चलिए बाहर चलिए, तेरे गर्म बाहर ही खाने चला यार। तो भाई मैं बाहर ही आई।
चलिए सर। नीचे उतर जाओ यार, कैसे आदमी आप ही लोग पकड़ो, मैं दूर रहते हैं। हाँ। घुस जाते हैं। जान पाए इतना तो जान ही गए होंगे क्या चीज होगी क्या करता है। तो ये है दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इसी को भारतीय नाग के नाम से जानते हैं। ये कभी कभी दोस्तों जब गुस्से में हो जाता है तो दौड़ करके भी काटता है। दोस्तों इसके फन के पीछे की जो बनावट है इसलिए इसका नाम स्पेक्टिकल कोबरा है। और ये काटने से पहले फूंक मारता है, आप ये देखिए, बहुत ही सेंसिटिव और समझदार सांप है। और वैसे भी दोस्तों इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, बस इंसान मर जाता है, जैसे इलाज नहीं हुआ तब। तो यही ध्यान दीजिए भैया, ज्यादा सांप महिलाओं को ही काटता है क्योंकि महिलाएं अपने घर को कबाड़ बना कर रखती हैं और घर में हमेशा साफ सफाई रहती है। स्पीड देखिए पहले इसकी कितनी स्पीड है, छेड़े जाने के बाद यही है। तो कोई डिब्बा है आपके पास, कोई झोला होगा 5 किलो का डिब्बा हो दीजिए, पैक करते हैं। इसे झोला दीजिए, डिब्बा उठा लिया, लिया चलो आ जाओ, रखा था उठा लिया, पूछ लेने दिए हमें, आ जाओ देख कौन दे दो, हम दिला लेंगे, सब कर लेंगे सब, बस घबराना नहीं, सिर्फ देखना है, आराम से रहिए, इतना नहीं गुस्सा करो। अरे इतने क्या कम है, यहाँ के लोग आपको भी प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, है कि नहीं। दोस्तों इस वीडियो को देख के कॉपी नहीं कीजिएगा क्योंकि इसी समय जो है बहुत बड़ा हादसा होता है, सांप को लोग पकड़ लेते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं वो घूम करके हाथ में काट लेते हैं। ये दोस्तों अपना काफी समय का अनुभव, चलते हैं दोस्तों जहां पर महिला हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी तबीयत कैसी है, क्या हाल है, क्या कुशल क्षेम है, आपसे रूबरू करवाते हैं। थैंक यू। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल के पास में, क्योंकि एक महिला को सांप ने काटा था, शायद आप देखे होंगे, तो वो भर्ती भी है, आपको दिखाते हैं चल करके हम लोग उनकी स्थिति। दोस्तों हालांकि सही है, ये घटना है कल 5 बजे, एक बार फिर से आ चुके हैं, आपसे मेरा स्वागत है हमारे वीडियो में, आइए करीब लेके चलते हैं आपसे। यही काटा था, यहाँ से देखिए ना पूरा ब्लैक हो गया, पूरा यही काटा था। तो दोस्तों आप ये देखिए, इनको स्पेक्टिकल कोबरा ने बाइट किया और ये सीधा हॉस्पिटल आए हैं, इनकी जान बच गई है। दोस्तों वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जब भी सांप अगर काटता है तो अपने भारत में हर साल दोस्तों 50 से 60 हज़ार लोग मरते हैं सांप के काटने की वजह से। मुझे इतनी प्रक्रिया और इतना ज़्यादा सब कुछ शूटिंग करवाना, वीडियो बनाना, आप तक पहुंचाना किस लिए करते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए करते हैं, आपकी जान बचाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों झाड़ फूक में अगर ये गई होती तो इनके भी प्राण नहीं बच पाते, इसलिए एक बार इनकी जुबानी सुनते हैं कब कैसे क्या हुआ। आराम से बिंदास, कोई जबरदस्ती नहीं, पूरी बात बताओ बेटा। अच्छा अच्छा पैर से दब गया सांप, अच्छा दबा नहीं था, अच्छा दोबारा काटा, मतलब थोड़ी सी पूछ उस पर कहीं टच हुआ है तो भाग करके आया काट लिया, अच्छा अच्छा चलिए बहुत सही।
आप सेफ हैं इस बात की मुझे से सर आप डॉक्टर साहब उस सर अपने बारे में आप बताएं लोगों को एक नसीहत दीजिए। ये पेशेंट काफ़ी सीरियस थी तो हमारे क्या आई और स्टेप बाइट तो होता क्या भैया शांति रहें प्लीज। लोगों के दिमाग में ये होता कि चलिए पहले इधर उधर दवा खिला दें ये कर दें तो उसमें क्या होता है पेशेंट धीमे धीमे उसकी सांस होती है ब्लॉक सिस्टम वो ब्लॉक होता है गला गला ब्लॉक होने लगता है हमारे क्या आते आते मरीज सीरियस होने लगता है। तो हमारी सबसे यही कि आप समय व्यर्थ ना करें इधर उधर आप तुरंत हॉस्पिटलाइज हैं हम लोग तुरंत उसका हमारे पास ऐसे ऐसे मेडिसिन है हम लोग का प्रयास ये रहता है कि मरीज हमारे पास आए तुरंत हम लोग दवा शुरू कर दें। और ये जब आई थी इनकी सांस एकदम रुक गई थी चल नहीं रही थी एकदम गला चोक कर गया था लेकिन हम लोगों ने तुरंत इनको वेंटिलेट करके अच्छे से ट्रीटमेंट किया और आज थैंक यू सर आपने आप लोग इतना अच्छा काम किया। तो इसमें आपको आराम हो चुका है अब आप ठीक है हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं अभी आपका ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बाय।